कॉरल रो के अंदर इस तरीके का डिजाइन क्रिएट करने के लिए वीडियो में बने रहे। चलिए बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कर लेते हैं डिलीट। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई सा भी टेक्स्ट को टाइप कर लेना है, तो हम ग्राफिक्स को टाइप कर लेते हैं। इस तरीके से हो जाने के बाद क्या करना है, इसका भी हम फॉन्ट को चेंज करते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ से इसका फॉन्ट को चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये हो जाने के बाद क्या करना है, इसको भी यहाँ से बिटमैप में जाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू बिटमैप हो और ओके कर देंगे, तो ये भी इस तरीके का एक बिटमैप में ये आ गया है। और यहाँ से इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ आएंगे और यहाँ से वेट पेंट पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का एक प्रीव्यू आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, 50 और 100 पे क्लिक करके आपको रखना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, इसका एक हमको इस प्रकार से एक आउटलाइन क्रिएट करना है इसका। तो यहाँ से क्या करना है, ट्रैक बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ से आउटलाइन ट्रैक, तो यहाँ से लाइन आर्ट पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा और यहाँ से यहाँ इसका ये PNG दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, सीधा ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देने के बाद कुछ इस तरीके का एक डोगो एक बन जाएगा। ये नीचे वाला ये क्या है, मेन इमेज बोल सकते हैं, तो इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद इसको भी रख लेना है। उसके बाद एक कोई सा भी आप एक इमेज इंसर्ट कीजिए, यानी इनपुट कीजिए। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I, तो आई से आप Ctrl+I प्रेस करके आप कोई सा भी इमेज को इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप कोई सा भी इमेज ले लीजिए, जैसे कि हम अभी कोई सा भी इमेज ले लेते हैं जस्ट इस प्रकार से। ये इमेज लेने के बाद इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जस्ट इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, अभी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पावर क्लिक इनसाइड एंड इसके ऊपर देख सकते हैं ये सिंबल किस तरीके से बन के आया है, तो हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है, ये भी आधा में शो हो रहा है, हमको पूरा में करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हो सकता है यहाँ पर इतना में ही दिख रहा हो, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इमेज के ऊपर ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ इमेज सेलेक्ट होगा। उसके बाद इसको ऊपर या नीचे आसानी से आप कर पाएंगे जस्ट इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसको और भी क्रिएटिव दिखाने के लिए, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो इसको और भी क्रिएटिव दिखाने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको ड्रॉप शैडो में जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप शैडो टूल ले लेंगे, और उसके बाद इसमें है ना एक शैडो डालना है, शैडो क्रिएट करना है इस प्रकार से। कंट्रोल दबाए रखिएगा ताकि ये प्रॉपर आ जाए जस्ट इस प्रकार से। तो अभी इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कम से कम तो 80 रख के और इंटरफेस करना है, यहाँ पे 3 कर देंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं काफ़ी सही एक ग्राफिक्स का, इस प्रकार से आप आसानी से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।